कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। कैसे हुआ KGF 2 का एनकाउंटर सीन शूट? रॉकी और अधीरा ने क्या सच में हो गई थी हाथापाई? रवीना का कैसे जुड़ा है फाइट सीन से कनेक्शन? सबसे ज्यादा मांग वाली यानी KGF 2 जिसमें बात करेंगे यश के एनकाउंटर सीन की, जिस सीन में संजय यानी अधीरा, यश यानी रॉकी और रमिका सेन की सेना यानी बहुत सारी पुलिस जो कि रॉकी का फिल्म में एनकाउंटर करने के लिए शामिल होंगे। सीन पर पहुंचने से पहले आपको बता दें कि प्रशांत नील की आने वाली फिल्म KGF 2 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, लेकिन कोई भी फिल्म धमाकेदार एक्शन और हाथापाई के बिना बेहतर एक्शन थ्रिलर कैसे हो सकती है। हाँ, तो अब बात करते हैं इस फिल्म के एनकाउंटर सीन की। यश के एनकाउंटर से पहले इसमें लड़ाई दिखाई जानी थी जो रॉकी और अधीरा के बीच थी। अब किसी भी एक्शन सीन को रियल दिखाने के लिए एक्टर्स को एक्टिंग करते समय पूरी आजादी मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ जब फिल्म में एक एनकाउंटर सीन की शूटिंग हो रही थी। दरअसल इस सीन को एनर्जी देने के लिए डायरेक्टर ने ये फैसला लिया कि शूट में सब एक दूसरे को सच में मारेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि शूट के दौरान सभी को काफी खरोचे आई, लेकिन ये एक परफेक्ट शॉट बन गया। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस सीन के बारे में कहा, ये मजेदार सीन था। यश और संजय इस सीन की एनर्जी को तलाशने के लिए बेहद ओपन थे। ये पहली बार हुआ जब यश और संजय का आमना सामना हुआ। मैं इस सीन को वास्तविक बनाना चाहता था, इसलिए मुझे यश और संजय को ये आजादी देनी पड़ी कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं, बेशक अपने हाथों को थोड़ा टाइट करके, वरना इन दोनों में इतनी एनर्जी थी कि ये दोनों एक दूसरे को अस्पताल भी पहुंचा सकते थे। एक्टर के तौर पर दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और हम यहां तक पहुंचने में सफल हुए। ये एक लंबा सीन था और इसमें कई सारे एंगल जुड़े हुए थे। आप सभी इसे 14 अप्रैल को नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं, और दूर भी हो जाओगे तो भी ये वर्थ इट होगा। वैसे उन एंगल्स में से एक एंगल रमिका सेन यानी रवीना टंडन का भी जुड़ा था, जो फिल्म में एक राजनेता की भूमिका में नजर आने वाली है। इसमें रमिका ने यश को मारने के आदेश दिए हैं, जो हमें इसके टीजर में देखने को मिला था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा, और वो कैसे, जाहिर है हमारी वीडियो को देखकर। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।